एक रूसी यूट्यूबर ने अपनी 1 करोड़ की मर्सिडीज कार जला दी। उसके इस कारनामे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और लोग शॉक्ड हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आपको बता दें, यूट्यूबर को मीशा या मिखेल लिटवन कहते हैं, जिनके यूट्यूब पर करीब 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 11.3 मिलियन फॉलोअर्स। बंदा अपनी $150,000 की मर्सिडीज GT63S कार को जलाकर ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है। इस पर एक यूजर ने लिखा भी है कि अमेरिकी ब्लॉगर्स आईफोन तोड़ते हैं तो वहीं रूसी ब्लॉगर्स अपनी मर्सिडीज जला देते हैं, वारे दुनिया। ये वीडियो 24 अक्टूबर को यूट्यूब पर शेयर किया गया था, जिसे आर्टिकल लिखे जाने तक 11,366,556 व्यूज और 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। और हाँ, 47,000 लोगों ने इसे डिसलाइक भी किया है। बता दें, वीडियो को शेयर करते हुए यूट्यूबर ने लिखा, मैंने बहुत सोचा कि मुझे एक शार्क के साथ क्या करना है, मेरे लिए आग अच्छा आइडिया था, मैं खुश नहीं हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि यूट्यूबर ने ऐसा सब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया, जबकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूट्यूबर को मर्सिडीज़ के इस महंगे मॉडल के साथ कई परेशानियां आ रही थी और कार को स्थानीय मर्सिडीज डीलरशिप के पास 5 बार भी भेजा गया, लेकिन उसने कथित तौर पर कार को ठीक करने से इनकार कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि यूट्यूबर्स नई सी दिखने वाली मर्सिडीज कार को खाली मैदान के बीच लाकर खड़ा कर देता है और अपनी डिक्की से तेल के कई डिब्बे निकालता है और एक एक कर उन्हें गाड़ी पर डाल देता है। तो दूरी पर जाकर वो आग पर कुछ पकाता है और इसी दौरान एक जलता हुआ लाइटर घास पर फेंक देता है। आग घासते होते हुए मर्सिडीज कार को अपनी चपेट में ले लेती है और कुछ ही मिनटों में लग्जरी कार जलकर खाक हो जाती है।